नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर लैब बरुवाला पर स्वागत करता हूं। और जो भी भाई है चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ना, इसके अंदर हम बात करेंगे कि ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन चलती है तो उसका एवरेज खर्चा महीने का कितना रहता है। वैसे तो कोई फिक्स नहीं है कि जो भी ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन चलती है तो उसका एवरेज जो खर्चा है वो सभी के लिए नॉर्मल रहता है, क्योंकि हर इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर है जो अलग अलग होता है और हर बॉडी का इम्यूनो सिस्टम जो है वो भी आपको अलग देखने को मिल जाता है। तो इसका कोई फिक्स अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन हमारी चलेगी वो कितने रुपए की आएगी, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद वो कैसे उसको मेंटेन करता है, कैसा खाना खाता है, कैसे वो किस माहौल में रहता है, कुछ इस पर भी डिपेंड करता है। हमें ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ही सावधानी के साथ रहना होता है। और जो मेडिसिन हमारी चलती है इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप से जो बिलोंग करती है, जो कि टैक्रोलुमस है या फिर माइकोफिट या मोफ्टेल जिसे कहें, तो ये जो दो मेडिसिन चलती है सब कुछ ये हमारे बॉडी के हिसाब से चलती है, वेट उम्र इसके हिसाब से, या फिर एक हमारा टैग लेवल होता है उसके हिसाब से मेडिसिन की डोज डॉक्टर हमारे बना करके देते हैं। तो इसका जो ये कोई फिक्स नहीं रहता है, किसी किसी का ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद ही जो सेहत है वो अच्छी हो जाती है तो उनकी मेडिसिन थोड़ी सी कम चलती है। जिनका टैग लेवल है जो नॉर्मल आ जाता है, जो रेंज में रहता है, तो उनकी थोड़ी सी मेडिसिन कम चलती है। और कुछ है कि जिनका टैग लेवल अप डाउन करता रहता है तो उनकी मेडिसिन भी ऊपर नीचे होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा फर्स्ट के 3 महीने तक 6 से 7 हज़ार रुपये तक की मेडिसिन ही चली थी मेरी, और आज 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की अगर मैं बात करूं तो आज मेरी जो मेडिसिन आती है मंथली 2500 में कंप्लीट आ जाती है 1 महीने की। तो ये तो जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मेरा टैग लेवल बिल्कुल रेंज में चल रहा है, स्टार्टिंग से अब तक अप डाउन ज़्यादा नहीं हुआ है, और उसी के हिसाब से मेरी मेडिसिन थोड़ी कम आती है। और कुछ मेरे को पेशेंट ऐसे भी मिले हैं जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, कि उनको 7-8 साल हो चुका है और लेकिन आज भी मेडिसिन का जो खर्चा है ना 10 से 12 हज़ार रुपये मंथली रहता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो मेरी तरह 3 से 4 हज़ार रुपये में भी कवर कर लेते हैं। तो ये तो अपने अपनी बॉडी के हिसाब से रहता है मेडिसिन का, तो और इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न देकर कि ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन चलेगी कितने रुपए की चलेगी, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न दें। और अगर आप डायलिसिस पे हैं या फिर डायलिसिस पे आने वाले हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने डोनर की अरेंजमेंट करें और ट्रांसप्लांट की ओर आगे बढ़ें। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और हेल्प भी मिलेगी आपको आगे की ज़िंदगी जीने में, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद की जो लाइफ है ना काफ़ी अच्छी लाइफ है बजाय डायलिसिस के। तो इसकी तरफ ज़्यादा ना सोचें, बस इतना करें कि ट्रांसप्लांट के बाद अपनी अपनी जो शरीर की देख रेख है वो अच्छे से करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छे माहौल में रहें और ज़्यादा टेंशन भरी ज़िंदगी न रखें, तो आपकी भी मेडिसिन है वो थोड़ी डाउन आ जाएगी और कुछ टाइम के बाद तो नॉर्मली ये 2-3 हज़ार रुपये में के अंदर आ जाती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जल्द ही मिलूंगा एक नए एक्सपीरियंस के साथ में, आपसे बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।